बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज रोज़ा जो है वो बहुत ही मज़े का गुजरा है। सारा दिन जो है वो बादल ऊपर छाए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन अभी हवा जो है चल रही है साथ साथ। हमारे यहाँ तो नहीं हुई, तो मैंने शम्मस भाई अपने तय जान के बेटे से पूछा तो वो पिंडी होते हैं, उसने बताया कि यार इधर तो इतनी बारिश हुई है। तो इधर खैर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन है कि हवा जो है वो सुबह की चल रही है। हमें रोज़ा जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि हमने रोज़ा भी रखा हुआ। कल थोड़ा सा महसूस हुआ था, कल सियालकोट गए हुए थे हम मॉडम ले, हाँ एक बात और, मॉडम लेके आए थे हम, तो वो मॉडम जो है वो चली नहीं है। वो अभी मॉडम नहीं चली, पता नहीं लैंड मैन ने कुछ, वो लैंड मैन के दफ्तर जा रहा हूँ मैं अभी, और जाके वहाँ पर पता करते हैं क्या किया उसने मॉडम का। न्यू मॉडम थी वो भी नहीं चली, वो कह रहा था कि दूसरी वाली मॉडम चलेगी। वो फिर पोर्ट मंगवा रहा, पोर्टा कह रहे थे पोर्ट मंगवा रहा था, जो कनेक्शन है वो मंगवा रहा था, वो न्यू लगाने थे। अभी चलते हैं उनके पास। ये जी हम एक्सचेंज पे हैं, नेट हमारा जो है चल गया इधर से, तो ओके अभी घर जाके ओके करेंगे। ये देखें ये चल रहा है इधर से नेट जो है, ये मॉडम जो आप न्यू लेके आए थे ये चली नहीं थी, अभी इधर से सेटिंग करवाई है और चल गई है मॉडम। पीछे से सेटिंग किया उन्होंने वो पोर्ट की, क्या मेरे ख्याल में पोर्ट चेंज किए हैं, ये पोर्ट होती हैं इसको चेंज किया मेरे ख्याल में, तो फिर जो है वो नेट चला है। शुक्र है मालिक का कि हमारा नेट चल चुका है। ये वाली मॉडम जो है वो नहीं चल रही थी, लेकिन अब चल गई है। अभी घर जाके लगाते हैं और वहाँ पे चलाते हैं। अभी जी रोज़े का टाइम तकरीबन एक घंटा रह गया रोज़ा खुलने को, और अभी अबू जान जो है वो पकौड़े बनाने लगे हैं। अभी बेसन और आलू जो है वो मिक्स हो रहे हैं और घी जो है वो गर्म हो चुका है। अभी जी मैं जा रहा हूँ बघियाड़ी समोसे लेने के लिए, अबू जान जो है पकौड़े बना रहे हैं और मैं थोड़े से समोसे ले के आता हूँ। और अभी चलते हैं, अब्दुल्ला जाना आपने, चले आए अब्दुल्ला को साथ लेके चलता हूँ ताकि पकड़ के ले आएगा पीछे से। रमज़ान आया और महंगाई भी जो है वो बढ़ गई है। पहले जो समोसे का रेट था 15 रुपये और अभी 20 रुपये रेट हो चुका है। पकोड़े कल हम ले के आए थे थोड़े से, लेकिन बहुत महंगे दिए थे उन्होंने, और आज जो कि घर में निकाल रहे हैं अबू जान, इसलिए सब के जो है वो अपने अपने रेट्स हैं। रमज़ान के खास खास महीने में जो है वो अपने अपने रेट्स कर देते हैं ज़्यादा कर। साथ वाले गांव से हमने समोसे के रेट का पता किया, तो उसने 20 रुपये का लगाया हुआ था। फिर हमने आगे वाले गांव चले गए, मस्याल साथ वाला गांव है, उधर गए तो उन्होंने जो है वो 15 रुपये का लगाया हुआ था, तो हमने वहां से लेके आए हैं अभी 15 रुपये का समोसा लेके आए हैं। बघियाड़ी में जो है साथ वाले गांव में 20 रुपये का, आगे हिसाब लगा ले। खैर अभी चलते हैं ले के, थोड़ा टाइम रह गया। तो देखो समोसे हम ले आए हैं और पकौड़े भी जो बन गए हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं। और अभी ये थोड़े से रह गए हैं, ये भी पक जाते हैं। अभी किधर घूम रहे हो, हाँ किधर घूम रहे हो, साइकिल चला रहे हो, चलो घर आज आपने रोज़ा नहीं रखा। अभी जी दस्तरखान पे रख दिए गए हैं फ्रूट्स, साथ सेब हैं और साथ केला, खजूरें और साथ समोसे हैं और ये पकोड़े हैं। और इधर समीउल्ला बैठा हुआ है, रोज़ा लगा है आज, बस जी काम लग गया। सही है स्नैन भाई आपको लगा है। ये जी अम्मी जान जो रोटियां बना रही हैं, अभी ये ताया जान के घर से जो है वो हलवा आया, मुखंडी हलवा इसे कहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, और अभी पानी भी हमारा तैयार हो चुका है। हम भी किसी दिन बनाएंगे मुखंडी हलवा, अबू जान को बनाना आता है, अबू जान बनाएंगे। अभी टाइम तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। खैर आज तो इतना रोज़ा जो है वो लगा नहीं है, क्योंकि मौसम जो है वो बिल्कुल ठंडा था इसलिए। और हसनैन भाई आपको तो नहीं लगा, थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है। चलें ये अभी टाइम थोड़ा रह गया, 10 मिनट रह गए हैं तकरीबन। Thank you.
भी समीला भाई को प्यास लगी है। रोजा खोल के नमाज पढ़ के अभी हम वापस घर आ गए हैं और अभी खाना भी थोड़ा सा खा लिया। और आज सबसे खुशी की बात जो है, सबसे खुशी की बात कि हमारा नेट जो है वो चल गया। ये रहा हमारा नेट, बहुत दिनों के बाद चला है। बहुत तंग किया इस नेट ने ना हमें, बहुत ज़्यादा तंग किया। खैर अभी चल तो गया है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आज थोड़ी देर पहले आज मैं सारा दिन जो एक्सचेंज पे रहा हूँ लैंडमैन के साथ, वो उसका पीछे से मसला आ रहा था इसलिए हमारा नेट जो है वो चल नहीं रहा था। फिर उसने कॉल करके पीछे जो है मसला हल करवाया, पोर्ट मेरे ख्याल में चेंज करवाई है, फिर जाके जो है हमारा नेट चला। नमाज़ पढ़ के तरावियाँ वगैरह पढ़ के आ चुके हैं, तो अब ये वीडियो मुझे आपकी अभी अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि इफ्तारी जो है वो आज की है। तो खैर आज का व्लॉग यहीं में ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।